हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ड्रीमर एंड वेलकम बैक टू पैल वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो एब्रप्टली एंड हो गया था। सॉरी अबाउट दैट। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आगे की फुटेज थोड़ी सी हम लोग की करप्ट हो गई थी, जिस वजह से अब्रप्टली हम लोग का वीडियो वो एंड हो गया था। आज हम लोग ने वीडियो फिर से नए तरीके से, मतलब वहीं से कंटिन्यू किया जहाँ पर पिछला वीडियो एंड हुआ था। बीच में आपने कुछ खास मिस नहीं किया। मेरा फार्म और मेरी स्टोर पर आराम से चल रहे हैं। मेरा रैंच खाली है, मेरी विक्सी कहाँ है? विक्सी वहाँ है, देखो लेवल अप हो रही है वो, अब आराम से टहल रही है। इधर आइए ज़रा, आपको फार्म में बैठना था, आप यहाँ पे क्यों घूम रही हैं? ज़रा चलिए मेरे साथ जबरदस्ती का। विक्सी, तुम्हारा काम सिर्फ रैंच में बैठना है, रैंच में बैठ करके सामान खोद के निकालना है। तुम और कोई काम के लिए नहीं हो मेरे बेस में। आओ ज़रा देखें, इसीलिए मेरे पास वेग बैलेंस नहीं, क्योंकि मेरा फार्म नहीं चला था। पिछली बार मैंने जब पेंगलेट को डाला फार्म में, फार्म की तरफ वापस, उसने वाटर करना स्टार्ट किया, तब जाके अब मेरी बेरीज रोकना चालू हो गई। फिलहाल ये अच्छी बात है कि फीड बॉक्स में बेरीज है अभी बाकी पैस के लिए। अब यहाँ से ज़रा सामान निकाल के यहाँ डाल दें, वुड से वुड्स और स्टोन पिक से स्टोन। अपने बॉक्स में सेव कर लिया, मैं कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अपनी खोपड़ी, हमारा एक्थेडियर अपनी खोपड़ी अभी फोड़ रहा है। 15 पैल्स पेयर्स और हमें बने हुए हैं, इनको ले लेते हैं और देखते हैं हम लोग क्या बनाना है। थोड़ी एरोस नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेल्स की भी ज़रूरत कुछ खास है नहीं, आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग नेल्स और बनाएंगे। फिलहाल 70 एरोस, दैट विल गिव अस 210। यस, दैट विल गिव अस 210। कैसी हुआ इधर, ये देखिए, ये है 3 3 ट्रिपल शॉट। वो भी, अरे यार मार दिया। मैं ही बेवकूफ़ हूँ। अपने बेस के पास कभी किसी पैल पे अटैक ना करिए, आपका पूरा बेस उस पैल पे अटैक करेगा, आप पकड़ पाएंगे नहीं। फिलहाल एरोस वेस्ट करने से अच्छा कैटिवा के लिए तो स्पीयर ही इनफ है। 100% कैप्चर रेट एक बार में। 6 कैटिवास और 9 आर्स, छठा कैटिवा आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा एक चीज़ कमेंट में, कि मैं इनके ऑफिशियल गेम से यूज़ करूं या फिर जो मैंने रखे हुए, जैसे कैटिवा को मैं बागड़ बिल्ला बुलाता हूं वैसे। चलिए जो निकलेगा मुंह से मेरे वो निकलेगा। ये बढ़िया तरीके से पेंगलेट काम कर रहा है, एरोस बना रहा है। अभी चलो 6 ही बन पाई, 12 और बना ली मैंने। यहाँ क्या हो रहा है? ओके, देखिए एक पैल स्पीयर इसने ऑलरेडी खोद करके निकाल दिया। पता नहीं कैसे खोद करके निकाल लेती है उतनी छोटी सी जगह में, लेकिन निकल जाता है। थोड़ा सा देखें, मेडिवल मेडिसिन वर्क बेंच और हाई क्वालिटी वर्क बेंच। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मेटल, जो हाई प्रोफाइल हाई क्वालिटी टूल्स हैं और एडवांस चीज़ें हैं, वो मुझे वहीं से मिलेंगी। तो अभी के लिए चलते हैं। खाना रखने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक डब्बा और बना लूँ, उसमें सारा खाना डाल दूँ। बस मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उस डिब्बे को बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा, वरना खाने की सारी चीज़ें सड़क के ख़त्म हो जाएंगी। इन सब डिब्बों में ज़रूरत नहीं। ये डिब्बा अंडों का डेडिकेटेड है, ये डिब्बा रेयर मटेरियल्स का है। कहाँ, चलिए एक डिब्बा और यहाँ पे बना लेते हैं। आ जा, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। बनाओ और सब लोग हेल्प करो। बनावन और कर लिया। इसमें हम लोग सारा अपना खाना डाल देंगे जब तक हम लोग कूलर बॉक्स नहीं बना लेते। कूलर बॉक्स बन जाएगा तो कूलर बॉक्स में कोई भी आइस टाइप पैल को आप असाइन कर दीजिए, वो उस कूलर बॉक्स को ठंडा रखेगा। उससे खाना जो है वो और धीरे सड़ता है, लेकिन बहुत धीमे हो जाता है। उसको फिर भी उसमें भी फिर आप जा करके सॉर्ट कर सकते हैं, तो टाइमर रीसेट हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ बेरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चल के जब हम लोग के हैवी पैल्स होंगे और ज़्यादा डिमांडिंग पैल्स होंगे, तो उसमें हम लोग को और थोड़ा हाई क्वालिटी फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी के लिए फ़िलहाल बेक बेरीज से काम चल रहा है। नहीं, वापस। आई नीड मोर एरोज। उसको फिर से लगाते हैं ताकि कोई और आके बना सके। हाँ, यहाँ मेटल टूल्स नहीं है, जबकि मेटल टूल्स मैंने एक्टिव कर रखे हैं। हाँ, इसके लिए मुझे लग रहा है कि एडवांस वर्कबेंच की ज़रूरत ही पड़ेगी, वहीं से मेटल टूल्स बन पाएंगे। ये जो हाई क्वालिटी वर्कबेंच है, इसके लिए मुझे 11 और इंगट्स की,
11 नहीं 9 9 इंगट्स और चाहिए और कुछ नेल्स चाहिए अभी के लिए 150 एरोज हो जाएंगी ये इनफ है कोई भी पैल आकर के इस पे काम करो और तब तक के लिए हाँ ए अगर तूने मेरे डिब्बों को आग लगाई है यहाँ पे बढ़िया तरीके से वो खोपड़ा फोड़ रहा है ये पत्थर तोड़ रहा है कितनी 56 वुड यहाँ से निकाल लिए थोड़ा वुड वहाँ से एक बार ट्रांसफर आगे बढ़ते हैं हम चलते चले जाते हैं क्या करें अब यहाँ जाते हैं क्या करें थोड़ा सा और निकालना है क्योंकि हम लोग को इनगिट्स चाहिए तो कैटिवा हेल्प करोगे नहीं करेगा छोड़ो हम ये लोग काटेंगे मना एक चीज़ और बताइए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सेटिंग्स में जा कर के हमारे वर्ल्ड का जो रिसोर्स एक्विजिशन का रेट है उसको बढ़ा लें ताकि हर एक ब्लो पे यहाँ पे जैसे हर 3 ब्लो पे एक और मिल रहा है हर ब्लो पे एक और मिलने लगेगा या चलिए जैसा भी होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में सोच रहा मैं सोचूंगा देखेंगे थोड़ा सा हम लोग का उससे गेम प्ले और स्मूथ और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ये जो स्लाइड और ग्लाइड मैं करता हूँ है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ इसमें मिल गई है एक तो मुझे और ये देखिए हम लोग का जो एक्सटीरियर है जो अब तक खोपड़ा फोड़ रहा था पेड़ों पे वो अब अपसेट हो गया है और सोने चला गया है या ये होता है जब सैनिटी कम हो जाती है या भूख बहुत लगती है तो फिर या पैसिव स्किल्स में अगर इनके नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं तो यही होता है अपसेट हो जाएंगे फिर सोने चले जाएंगे काम उतना टाइम के लिए रुका हुआ है खैर मेरी कुछ चीज़ें डैमेज्ड हैं इनको जाकर के मैं सेट करूंगा ज़रा यहाँ खाना रीसेट हो गया अब जाएंगे हम इसको सही करने अंडा अंडा सब ठीक है इधर आओ कैटिवा तुम उधर जाओ ऑटोमेटिक वर्क मोड एग इनक्यूबेटर के लिए मुझे पैल्डियम फ्रैगमेंट चाहिए क्लॉथ चाहिए लेट मी सी इनगट्स और 16 इनगट्स और मैंने बेरीज और निकाल ली हैं अभी के लिए फ़िलहाल इतना ठीक है मेरे पास 96 उधर भी काफ़ी है अभी के लिए काम चल जाएगा 10 और लग गए पकने पेंगलेट लग गया एरोस बनाने बहुत बढ़िया अब जरा थोड़ा सा अरे नहीं रिपेयर किया जाए अपने सामान को पिकैक्स रिपेयर स्टोन एक्स रिपेयर स्टोन स्पीयर रिपेयर और 3 शॉट बूम चलो कर लो रिपेयर या छोड़ो बाद में करेंगे ये कर लो भैया दिक्कत ना हो ताकि एक्सीडियर सैडल भी हमको चाहिए ढूंढेंगे करेंगे लेंगे एक बार एक्सीडियर सैडल मिल जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग के लिए इधर उधर जाना आसान है क्योंकि मेनली एक्सीडियर के पास डबल जंप भी है तो वो ऐसे एक बार और फिर एक और बार कूद सकता हवा में भी कैसे है पता नहीं लेकिन है थोड़ा सा पैल्डियम फ्रैगमेंट्स को यहाँ से निकालेंगे फार्म करेंगे क्योंकि हम लोग को उनकी ज़रूरत है बेरीज आर ऑलवेज गुड काफ़ी पैल्डियम फ्रैगमेंट्स निकाल लिए थोड़े से और इधर से हम लोग लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे फॉक्स पा चलो पकड़ा जाए ये देखिए मेरा 3 शॉट बो हर एरो पे 3 एरोस निकल रही हैं अरे बस से थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है अगर गलत जगह पड़ गई तो बस खत्म यहाँ पे 2 फॉक्स पास है देखते हैं क्या होता है अटैक तो करेंगे 2 हैं एक पड़ा मुझे एक और पड़ गया गई शील्ड मेरी आजा एक और तेरी तो हाँ बस ये पहला ले लिया दूसरे को तक मारेंगे और यस नाउ 5वां फॉक्स पास आ गए हमारे पास 5 ये रहा छठा बाल बचा चलो छठा और डन लेवल अप भी हो गया लेवल 13 पहुंच गए अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं पेंगलेट बच गया बाल बच गया चलो इधर चलते हैं स्लाइड एंड ग्लाइड यस ये फुआख और डिस्काउंट पिकाचू जरा फुआख आओ अब डिस्काउंट पिकाचू आएगा एक सेकेंड रुको बचा बाल 2 फुआख हो गए डिस्काउंट पिकाचू को पकड़ेंगे अब वही लग गई बड़ा एग्रेसिव पहले छोटा सा लेकिन एग्रेसिव है चलो फन से 1 2 3
और मेरा हो गया ये एक, और थोड़ी स्टैमिना बढ़ाएंगे इस लेवल अप से, स्टैमिना बढ़ाएंगे। देखें क्या क्या टेक्नोलॉजी रिलीज हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजी। क्रॉसबो आ गया, क्रॉसबो आ गया, बहुत बढ़िया क्रॉसबो आ गया। मेटल स्पीयर भी, मेटल स्पीयर आ गया, कूलर बॉक्स आ गया, बस अब यही बनाना है। चलो सब ठीक है, चलते हैं वापस बेस की ओर। डायनोसोर नहीं यार, लेवल 17 है, इससे तो पंगा भी लेना नहीं, इसीलिए कैप्चर रेट देखो 0.2%। अभी तो उसकी लाइफ भी नहीं कम कर पाएंगे हम लोग। थोड़ा स्लाइड एंड ग्लाइड, जल्दी से लेक को क्रॉस कर लिया, फिर भी नहा गया, चलो कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम से नहाए नहीं थे। चलने ये क्या है, रिपेयर, चलो बाद में करेंगे। हाँ ये सब जो है, जो क्योंकि हम लोग के बेस की बाउंड्री के बाहर है तो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है, इसको कभी मैं करूँगा तोड़ के फिर से अंदर की तरफ बनाऊँगा, शायद अगले एपिसोड में करेंगे इसको तोड़ के अंदर की तरफ बनाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ मैं जानता हूँ आज भी थोड़ा एब्रप्टली एंड कर रहे हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हम लोग के ऑफिस में काम चल रहा है इस वजह से भी। अगला वीडियो कोशिश करेंगे थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और मज़ेदार हो, मैं ये भी ट्राई करूँगा कि कोई एक साथी हम लोग का साथ में आए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आया, ऐसे कॉन्टेंट हम लोग और आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।